एवरीवन वेलकम टू बीइंग डॉक्टर ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों नीट 2021 के एप्लीकेशन फॉर्म की करेक्शन विंडो ओपन हो चुकी है और यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट जिनको करेक्शन कराना है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में या फिर रिव्यू करना है एप्लीकेशन फॉर्म का वो कर सकता है। स्टेप बाय स्टेप आपको करके बताऊंगा कैसे आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करा सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में आप कैसे करेक्शन करेंगे, कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप आपको बताने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट और यूजफुल वीडियो है। साथ ही आपको क्या गलतियाँ नहीं करनी करेक्शन के टाइम पर ये भी आपको बताऊंगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। साथ ही हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म आपके लिए लेकर आया अनअकैडमी प्रोडिजी स्कॉलरशिप टेस्ट, जहां पर स्कॉलरशिप तो है ही, साथ ही यहां पर ढेर सारे अमेजिंग प्राइजेस 11 करोड़ के, ठीक है, ये कंडक्ट किया जा रहा है 14 और 15 अगस्त को, कंप्लीट फ्री है, कोई भी एनरोल करा सकता है। एनरोल के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो जरूर से एनरोल करा लीजिए। कोई भी कोड आपसे पूछा जाता है तो बिंग डॉक्टर कोड जरूर यूज़ कीजिए। यहाँ पर शेड्यूल आप नोट कर सकते हैं, ड्रॉपर्स के लिए अलग से नोटिस शेड्यूल है, ठीक है, नीट यूजी एस्पायरेंट 23 और 22 एस्पायरेंट्स के लिए अलग से शेड्यूल है, ठीक है, टाइमिंग वगैरह आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं सबसे अमेजिंग थिंग, जो भी स्टूडेंट टॉप 2 में आते हैं तो उनकी फर्स्ट ईयर की जो कॉलेज फीस है कंप्लीट अनअकैडमी द्वारा स्पॉन्सर्ड होगी, यानी अनअकैडमी पे करेगा आपकी फर्स्ट ईयर की फीस। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर ढेर सारे अमेजिंग प्राइजेस जो कि आप देख सकते हैं, मैकबुक आप जीत सकते हैं, एप्पल की आईफोन 12 आप जीत सकते हैं, एप्पल का आईपैड जीत सकते हैं, अमेजन इको डॉट है, अमेजन के वाउचर्स आप जीत सकते हैं, तो कंप्लीटली ये सारे प्राइजेस आप जीत सकते हैं, तो एनरोल करा लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। स्कॉलरशिप स्लिप्स आप देख सकते हैं कौन कौन से रैंक पर कितनी कितनी परसेंट आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, तो कोई भी कोड आपसे पूछा जाए तो बिंग डॉक्टर कोड यूज़ करें। अब यहाँ पर डेली प्रैक्टिस टेस्ट भी होता है प्रोडिजी का, तो यहाँ पर डेली एक लक्की विनर को एक आईपैड दिया जाता है, तो इसमें भी जरूर पार्टिसिपेट कीजिए इसमें भी, ठीक है। अब कुछ बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों 22 और 23 एस्पायरेंट्स के लिए, तो नीट 22 एस्पायरेंट्स के लिए अर्ली अचीवर्स बैच स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पर सभी टॉप फैकल्टीज जो है अनअकैडमी की वो आपकी क्लासेस ले रहे हैं। अनअकैडमी का जो है अगला बैच है वो विजय भवो बैच स्टार्ट हो चुका है 23 एस्पायरेंट्स के लिए। कोई भी बैच कभी भी स्टार्ट हो रहा है, आपको केवल एक सब्सक्रिप्शन की जरूरत है, और सब्सक्रिप्शन के लिए बेस्ट ऑफर अभी चल रहा है, तो लिमिटेड एडिशन ऑफर अभी चल रहा है, जहाँ पर अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं 12 मंथ्स का 24 मंथ्स का, तो यहाँ पर 2 मंथ्स का एक्स्ट्रा आपको दिया जा रहा है फ्री। कोई भी 10% एडिशनल डिस्काउंट्स के लिए दोस्तों बिंग डॉक्टर कोड जरूर यूज़ करें, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको अगर आप यूज़ करेंगे तो 10% एडिशनल आपको सभी सब्सक्रिप्शन पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों हम आगे हैं एनटीए की ऑफिशियल, नीट की ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in, ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट पर हम आ गए हैं। यहाँ पर आप जाएंगे नीचे की तरफ करेक्शन इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है, ये ऑप्शन आ रहा है करेक्शन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर आप क्लिक करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म पासवर्ड अपना, ठीक है, और यहाँ पर सिक्योरिटी पिन जो नीचे दे रखा है वो आपको डालना होगा, ये सभी डिटेल्स आप फिल कर दीजिए। फिल करने के बाद आपको साइन इन करना होगा, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म और पासवर्ड डाल करके सिक्योरिटी पिन डाल करके साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद दोस्तों आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जहां पर आपके सभी स्टेप्स आपके कंप्लीट, अगर आपने कर दिए होंगे एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल सबमिट कर दिया होगा तभी आप करेक्शन कर पाएंगे, इसलिए यहां पर सभी कंप्लीट आ रहा है सारे स्टेप्स, ठीक है। अब नीचे की तरफ यहां पर, तो गाइस नीचे की तरफ आपको एक तो डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज का ऑप्शन आ रहा होगा, उसके भी नीचे आपको करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म पार्टिकुलर्स, ठीक है, इस तरह का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। ऑनलाइन करेक्शन फॉर एप्लीकेशन इज स्टार्टेड फॉर एनटीए नीट यूजी 2021, यू कैन एडिट योर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स इफ रिक्वायर्ड, ठीक है। तो करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म पर आप क्लिक कर देंगे, नीचे ऑप्शन आ रहा है। इसके बाद में आपको 3 इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिनको आपको आई एग्री करना होगा। आई एग्री करने के बाद प्रोसीड फॉर करेक्शन पर क्लिक कर देना है, आई एग्री कर देना है, उसके बाद प्रोसीड कर देना है, ठीक है। अब ये 3 इंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है, क्या है आप पढ़ सकते हैं। पहला, करेक्शन इन द फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म इज वन टाइम एक्टिविटी, आफ्टर दैट अपडेशन इन एनी डेटा विल नॉट बी अलाउड फॉर अंडर एनी सब्सक्रिप्शन, यानी कि एक बार अगर आपने करेक्शन कर दिया तो किसी भी सब्सक्रिप्शंस में आपको फिर से मौका नहीं मिलेगा करेक्शन करने का, इसलिए एक बार अच्छे से देख लें अपने एप्लीकेशन फॉर्म को, रिव्यू कर लें, उसके बाद में किसी भी पार्टिकुलर करेक्शन करना है, ठीक है, उसको भी अच्छे से देख लें, और उसके बाद में एक बार आपने फाइनल सबमिट कर दिया, करेक्शन कर लिया, उसके बाद में दूसरी बार मौका नहीं मिलेगा करेक्शन करने का, इसलिए वन टाइम फैसिलिटी है। सेकंड, करेक्शन विल बी अलाउड ओनली फॉर दोज कैंडिडेट, अच्छा, जिन्होंने भी कैंडिडेट ने फाइनल सबमिट किया था एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके, पेमेंट वगैरह करके कन्फर्मेशन पेज निकाल लिया था, उन्हीं स्टूडेंट्स को जो है करेक्शन करने के लिए चांस मिलेगा, यानी कि जिन्होंने फी पेमेंट या कोई भी स्टेट इनकम्प्लीट छोड़ दिया था उसको चांस नहीं मिलेगा फिर से करेक्शन करने का, ठीक है। तो केवल जिन्होंने फाइनल सबमिट किया एप्लीकेशन फॉर्म का उन्हीं को ही करेक्शन के लिए फैसिलिटी का मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर थर्ड पॉइंट दे रखा, करेक्शन कैंडिडेट इज एडवाइज टू टेक, अच्छा, अब करेक्शन करने के बाद अगर आपने किसी भी फील्ड में कोई करेक्शन किया तो उसके बाद जो रिवाइज जो कन्फर्मेशन पेज है ना उसको डाउनलोड जरूर करें फिर फ्यूचर रेफरेंस, यानी उससे पहले जो आपने जो कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड किया था वो तो अब मान्य नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में जो रिवाइज जो आपने करेक्शन किया उसके बाद का जो कन्फर्मेशन पेज है ना, रिवाइज कन्फर्मेशन पेज, वो आपको डाउनलोड कर लेना है, वही अब आगे काम करेगा, ठीक है। तो उसके बाद प्रोसीड फॉर करेक्शन आई एग्री करके प्रोसीड कर लेना है।
सो गाइस उसके बाद में आप जब प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर सभी आपकी डिटेल्स शो हो जाएगी, जहाँ पर आप पर्सनल डिटेल्स भी अपनी चेंजेस कर सकते हैं। पर्सनल डिटेल्स में इंक्लूडिंग योर नेम, योर फादर्स नेम, मदर्स नेम, इंक्लूडिंग योर डेट ऑफ बर्थ, जेंडर भी आप चेंज कर सकते हैं, नेशनलिटी आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में आपने कहाँ से 12th पास किया, अपीयरिंग है, ठीक है, वो भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके साथ में कैटेगरी भी आप चेंज करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आप चेंजेस कर सकते हैं। कैटेगरी में काफ़ी स्टूडेंट के डाउट आ रहे हैं कि सर कैटेगरी चेंज करें, तो बिल्कुल आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आप यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, बस आप अगर कैटेगरी चेंज करते हैं तो जो कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो आपकी फीस लगती है ना, वो आपको पे करनी होगी एडिशनल फी। मान लीजिए अगर आपने OBC अगर आपको जनरल कराना है या EWS आपको जनरल कराना है, तो जो एक्स्ट्रा एडिशनल फीस है ना, जो डिफरेंस है फीस का, वो आपको एडिशनल पे करना होगा, ठीक है। बस ये आपको फीस पे करनी होगी, और कहीं पर भी आपसे कोई भी फीस पेमेंट का ऑप्शन नहीं मांगेगा, ठीक है। तो आप बाकी सब कुछ फ्री है, ठीक है, बस यहाँ पर कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको फीस पे करनी पड़ सकती है एडिशनल, अगर कोई कैटेगरी में चेंज करता है तो, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर अपने सभी मान लीजिए कि आपने हाँ तो यहाँ पर मीडियम ऑफ पेपर भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज आप किसी ने अगर मान लीजिए इंग्लिश करना है, इंग्लिश चूज़ किया था और उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर चाहिए, तो हिंदी चूज़ करना है उसको, तो हिंदी भी चेंज कर सकता है, या फिर रीजनल लैंग्वेज जो भी आपकी है उस अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल आप किसी भी पर्टिकुलर में यहाँ पर एग्जामिनेशन सिटीज़ भी आप चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है, एग्जामिनेशन सिटी चॉइस भी आप चेंज कर सकते हैं, ओके। इसके बाद में दोस्तों आप अपनी एजुकेशन डिटेल्स में भी चेंजेस कर सकते हैं, 12th की एजुकेशन डिटेल अगर आपने पास है या अपीयरिंग है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपने यहाँ अगर आपका रिजल्ट आ गया है, ठीक है, तो आप यहाँ पर पास भी कर सकते हैं, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग भी आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में अपना जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कोड है ना, वो भी आप चेंज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। बिल्कुल सभी फील्ड में आप चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है, रोल नंबर, एड्रेस, स्कूल नेम वगैरह सभी में आप चेंजेस कर सकते हैं, ओके। उसके बाद में आप अपने एड्रेस के डिटेल्स भी चेंजेस कर सकते हैं, एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं, परमानेंट एंड जो लोकल एड्रेस है, ठीक है, उसमें भी आप चेंजेस कर सकते हैं बिल्कुल। अब ये सब करेक्शन करने के बाद में दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला स्टेप आता है दोस्तों, आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किए थे, फोटोग्राफ्स, साइन एंड थंब इंप्रेशन, ठीक है, इनमें करेक्शन अगर आपको कराना है तो वो भी आप करा सकते हैं, ठीक है, ये भी वन टाइम फैसिलिटी आपके लिए ओन है। तो जिस भी स्टूडेंट ने पोस्टकार्ड साइज फोटोग्राफ में गलती कर दी है, तो वो आप सही फोटोग्राफ अपलोड कर सकता है नई फाइल चूज करके, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों आपको ध्यान रखना है पोस्ट कार्ड साइज में, अगेन वापस बता रहा हूँ कि व्हाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, आपका नेम वहाँ पर नीचे की तरफ मेंशन होना चाहिए फोटोग्राफ में, और नेम के नीचे आपकी डेट आनी चाहिए जब आपने फोटोग्राफ क्लिक करी, और क्लिक करने की डेट है दोस्तों 1 जनवरी 2021 या इसके बाद की होनी चाहिए फोटो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पोस्ट कार्ड साइज़ के रिगार्डिंग ध्यान रखनी है, और सेम फोटो पोस्ट कार्ड साइज, पासपोर्ट साइज एंड पोस्ट कार्ड साइज फोटो सेम होगी, बस उनका साइज डिफरेंट होता है, पोस्ट कार्ड साइज थोड़ी बड़ी होती है, तो वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। उसके बाद में अगर आपने लेफ्ट एंड थंब इंप्रेशन में कोई गलती करी है, तो वो भी नया अपलोड कर सकते हैं, साथ में सिग्नेचर में अगर कोई गलती है तो वो भी आप नया अपलोड कर सकते हैं। तो ये सब डॉक्यूमेंट आप अगेन अगर अपलोड करना चाहते हैं तो अपलोड कर सकते हैं, इसमें भी आप चेंजेस कर सकते हैं। अब गाइस सब कुछ आपने चेंजेस जो भी आपको करना था अपने अकॉर्डिंग अपने पार्टिकुलर्स को अच्छे से रिव्यू करके, ठीक है, अपना रिव्यू कर लें एक बार फिर से अपने एप्लीकेशन फॉर्म को, कोई मिस्टेक ना हो गई हो आपके द्वारा, फिर से रिव्यू कर लें, और रिव्यू करने के बाद एटलीस्ट मतलब जितनी बार चाहे आप देख लें एक बार, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए दोस्तों, वो सब देख करके नेक्स्ट और सबसे फाइनल स्टेप जो आता है करेक्शन का, वो है सिक्योरिटी पिन करके सबमिट कर देना। ये फाइनल सबमिट है दोस्तों, यहाँ पर इसके बाद में कोई भी आप करेक्शन नहीं करा सकेंगे, क्योंकि वन टाइम फैसिलिटी है, अगेन आपको मौका नहीं मिलेगा कभी भी कहीं पर भी, ठीक है। तो बस ये फाइनल स्टेप है, यहाँ पर आपको सिक्योरिटी पिन डालना है जो कि यहाँ पर दे रखा है, तो ये डालने के बाद आपको फाइनल सबमिट कर देना। फाइनल सबमिट करने के बाद आपका सबमिट हो जाएगा, और नया जो कन्फर्मेशन पेज है वो आपको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लेना, वही अब काम में आएगा। पहले जो आपने प्रिंट आउट निकाला था वो अब काम में नहीं आएगा, जो करेक्शन करा हुआ फाइनल जो रिवाइज जो कन्फर्मेशन पेज है ना, वो उसका प्रिंट आउट निकाल के रख लेना है रेफरेंस के लिए, ठीक है। तो ये सभी करने के बाद फाइनल सबमिट कर लेना है, और ये आप करेक्शन करा सकते हैं 14th अगस्त तक, ये करेक्शन फैसिलिटी होना है, अच्छे से देख लें, रिव्यू कर लें, उसके बाद में फाइनल सबमिट करें, ठीक है। सो गाइस कंप्लीट मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया कि आप कैसे करेक्शन कराएंगे अपने एप्लीकेशन फॉर्म में। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीट से रिलेटेड बाकी काउंसलिंग तक के आपके अपडेट्स यहाँ पर, काउंसलिंग तक की इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही मुझे अनअकैडमी पर डेली क्लासेस भी हमारी ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी में डेली आपके बायोलॉजी की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की डेली MCQs, हम काफ़ी सारे MCQ डिस्कस करते हैं नीट 2021 के लिए। 22 एस्पायरेंट्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, 23 एस्पायरेंट्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जरूर आइए, ठीक है। अनअकैडमी मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक सारे आप मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।